जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का जो वीडियो स्पेशली ये आप सभी जितने भी मेरे छोटे भाई हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की या जो नए जुड़े हैं एसएससी जीडी में, उन सभी को पहले तो मैं खास बात ये बता दूँ, आप सभी को पता है कि इसकी नोटिफिकेशन 25 मार्च को आ रही है, आप सभी को इस बारे में पता होगा। लेकिन जो खास बात और मैं बता दूँ दोस्तों, काफ़ी बड़ी वैकेंसी है, इसके लिए जितने भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो भी इसमें तैयारी करके पहली बार में नंबर पा सकते हैं और आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि जो बच्चे अभी 18 साल के हुए हैं या जिन्होंने अभी 10th क्लास पास की, उनका फ्रेश माइंड है, उनको बहुत सारे सब्जेक्ट उनके तैयार होते हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो 10th क्लास तक पढ़ के आए हैं, उनका पढ़ाई से लगा होता है, उनके लिए बहुत ही खास बात है, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप कंपटीशन एग्जाम में आए तो आपको कंपटीशन की गाइडों के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन सी गाइड आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आज के समय में मार्केट में इतनी सारी गाइड आपको सिलेक्शन कर पाना आपके लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है, इसके लिए आपको सिलेक्शन, मुझे पता है कि आपके लिए सिलेक्शन कर पाना बहुत मुश्किल है, क्यों, क्योंकि पूरे मार्केट में इतनी सारी गाइड है और अलग अलग, आपको पता है कि जीके में एक एक गाइड में अलग अलग क्वेश्चन लिखे हुए हैं, अलग अलग आंसर लिखे हुए हैं, तो वहाँ पर फिर आपसे मिस्टेक हो जाएगी। तो दोस्तों आपको कुछ चुनिंदा आपके बुक वो आपके पास में होनी चाहिए अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करते हो। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, बैंक से संबंधित किताबें खरीद ली, क्या मतलब है उसका, आप एग्ज़ाम फाइट नहीं कर पाओगे। आप जिसकी तैयारी कर रहे हो आपके पास में बुक सारी उसी लेवल की होनी चाहिए, उस वैकेंसी में कौन सी बुक का सबसे अच्छा रिजल्ट रहता है वही बुक आपके पास में होनी चाहिए दोस्तों। तो इसीलिए आप अगर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, आप सभी को पता है समथिंग आपके पास में पाँच छः महीने का समय आपके पास में बचा, मार्च से अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त अगस्त में तो एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब 5 महीने यानी 150 दिन का समय है। तो 150 दिन में कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी है, कौन कौन सी किताब आपके लिए सबसे सही है, उसके बारे में बताने वाला हूं। तो आप वीडियो में अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए, ये बुक आपके पास में अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास में 100% होनी चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगर आपको लगना है जॉब, आपको आपने ठान लिया कि मुझे एसएससी जीडी फाइट करनी है, आपको पता कि एसएससी जीडी आपको फाइट करनी है, तो आपको मन में जो टारगेट होता है वो 90 का होना चाहिए अभी प्रेजेंट टाइम में, मतलब 85 प्लस आपको हिट करना ही करना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की वजह से बहुत सारे बच्चों के नंबर कम भी आ रहे हैं और कईयों के ऊपर भी हो जा रहे हैं। अगर आपके कम आ गए तो मतलब आपका स्कोर 85 प्लस होने चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम को हिट कर पाओगे। तो दोस्तों उस 85 प्लस आपका अगर स्कोर करना है तो उसके लिए ये गाइड जो मैं बता रहा हूँ, ये गाइड आपके पास में होना बहुत ज़रूरी है। इन गाइडों से आपको बहुत अच्छी मदद मिलेगी। मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ इसको आप ध्यान रखें, और दो आपके 500-1000 रुपये ज़्यादा खर्च होंगे, लेकिन आपके टाइम से ज़्यादा कीमती नहीं है आपके पैसे, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है। ये वैकेंसी एक बार आ गई, 3 साल बाद में आएगी अगली वैकेंसी, तब तक आप इसका इंतज़ार नहीं कर सकते। 3 साल में आप कितने पीछे जाओगे ये आपको पता है। जो बच्चे 2018 की वैकेंसी में रह गए हैं उनको पता है कि उनके दिल पे क्या बीत रही है, वो सिर्फ उनको पता है। ठीक है, जो रह जाता है ना उसको पता है कि 3-4 साल कैसे निकलती है। तो जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं तो वो भी, अगर आपको ये तकलीफ़ नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि मेरे को सिलेक्शन करना है, मेरे परिवार की स्थिति ख़राब है या मेरे को फौजी बनना ही बनना है, ये दोनों चीज़ें जिनको चाहिए कि हाँ बस बनना है मुझे फौजी, तो उनके लिए, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जीके के लिए अगर मैं आपको गाइड सजेस्ट करता हूं तो आपको मैं 2-3-4 जीके की बुक बताऊंगा, तो उनमें से कोई भी आप लो, मैं ये नहीं बोल रहा कि वही लो, उनमें से कोई भी आप लो, लेकिन एक बुक है लूसेंट, वो आपके पास में होना ज़रूरी है। अगर कौन सी वाली, थ्योरी वाली, जिसमें पूरी लूसेंट में जो थ्योरी वाली जो बुक है वो आपके पास में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लूसेंट की बुक सबसे अच्छी बुक मानी जाती है इंडिया में, और उसके क्वेश्चन पे आप मतलब कोर्ट केस भी कर सकते हो, उसमें दिए हुए जो चीज़ें हैं अगर उसको गलत आंसर माना जाता है तो आप उसके खिलाफ कोर्ट केस भी कर सकते हो, और वो प्लस आपका नंबर भी जोड़ा जाता है, अभी तक ऐसा हुआ है। तो लूसेंट की बुक एस एस जी डी के लिए बेस्ट है, जीके के लिए। उसके अलावा दोस्तों आपको एक वस्तुनिष्ठ बुक लेनी है जिसमें ऑप्शन वाले हो, वो आप कोई भी ले सकते हो, लूसेंट की भी ले सकते हो और अदर भी ले सकते हो। उसके अलावा एक आपके पास में शॉर्ट क्वेश्चन वाली बुक होनी चाहिए जिसमें से सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एसएससीजीडी में जो जीके का लेवल है ज़्यादा अप नहीं है, लो लेवल आता है या नॉर्मल लेवल आता है, कोई सा पेपर होता है जिसमें टफ आता है, तो लो और नॉर्मल लेवल के लिए आपके पास में जो डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर देते हैं, यानी छोटे छोटे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली जो बुक आती है छोटी सी, वो भी आपके पास में होना जरूरी है। उससे क्या होता है कि आप जीके में थ्योरी में पढ़ रहे हो लूसेंट में, और जो मोस्ट क्वेश्चन है आप उस बुक से पढ़ सकते हो, तो आपको जल्दी याद होगी। ये 3-4 बुक आप ले सकते हो। इसके अलावा आप जीके के प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हो। और एक खास बुक और है, वो आपके पास में होनी चाहिए, वो है ओल्ड पेपर। अगर आपके पास में नहीं है तो कुछ दिनों में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा ओल्ड पेपर की, जितने भी 10th या आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मैं वो उनकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, थोड़ा सा मैं बिजी हूँ, बाद में आपको उसमें पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। टोटल जितने भी
ओल्ड एग्ज़ाम हुए हैं अभी तक SSGD के, उनकी आपके पास में बुक या PDF होना ज़रूरी है। उससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि SSGD का पैटर्न सेम रहता है, पेपर का लेवल सेम रहता है, और बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी मारते हैं पुराने पेपरों से। तो आप SSGD की ले लीजिए, साथ में SSC की अगर कोई बुक है जिसमें GD लेवल के क्वेश्चन आते हैं, या GD लेवल का अगर कोई बुक है SSC का जिसमें ओल्ड पेपर दिए हुए हैं SSC के, तो वो भी आप बुक ले सकते हो, उससे भी आपको अच्छी मदद मिलेगी। लेकिन SSC GD के ओल्ड पेपर आप ज़रूर ले लीजिए दोस्तों। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपको पिछले पेपरों की PDF प्रोवाइड करा दूँ, या पूरी की पूरी बुक अगर कोई अच्छी मिलती है तो मैं आपको जल्दी सजेस्ट कर दूँगा। अभी बुक आनी शुरू हो गई है SSC GD की, तो मैं आपको जल्दी सजेस्ट कर दूँगा। तो ये बुक आपके पास में GK में होनी चाहिए। अब इसके बाद में अगर बात करें हम रीजनिंग में, तो रीजनिंग में दोस्तों एक रामनिवास माथुरिया की बुक आती है, केरन पब्लिकेशन की बुक आती है। इसके अलावा आप रीजनिंग के पेपर सेट वाली भी ले सकते हो, और रीजनिंग की और भी कोई नई मार्केट में अगर बुक आती है तो रीजनिंग की आपके पास में 3-4 बुक होनी चाहिए, क्योंकि उनमें सब में अलग अलग चीज़ें होगी, उससे आपका दिमाग ज़्यादा एक्टिव होगा, उसमें अलग अलग प्रकार के मेथड होंगे। तो कम से कम आपके पास में रीजनिंग के 3-4 बुक होनी चाहिए। आपको रीजनिंग की बुक समथिंग 50 रुपये के अराउंड मिल जाती है, तो 200-250 रुपये यानी 4-5 बुक आपके पास में रीजनिंग होनी चाहिए। एक ही बुक को लेके ना बैठ जाए कि एक बुक ले ली बस डेली इसी में से रीजनिंग मिला रहे हैं, नहीं, रीजनिंग को ऐसे नहीं करना है। रीजनिंग को आपको अलग अलग बुक से तैयारी करनी है, अगर साथ में रूममेट रह रहे हैं तो उनकी बुकों से तैयारी करनी है, पेपर सेट से तैयारी करनी है, क्योंकि रीजनिंग कैसी भी आ सकती है, उसमें कोई फिक्स मेथड नहीं है। इसलिए आपको रीजनिंग का मतलब हो गया कि आपको मतलब नॉर्मल आपका माइंड कितना चलता है इसके लिए जांच करते हैं। तो वो आपको पहले उसको माइंड को उथल पुथल कराते रहना है, मतलब 4-5 बुक आपको रीजनिंग की होनी चाहिए, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके अलावा मैथ के लिए राकेश यादव की बुक बहुत ही अच्छी बुक आती है, SSGD के लिए हो या और भी कोई एग्जाम हो उसके लिए राकेश यादव की बुक आती है, नोट्स वाली बुक SSG, उसमें अच्छे मेथड भी है, अच्छे से समझाए हुए हैं। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती उनके यूट्यूब पर भी वीडियो, वो भी आप जाके देख सकते हो, तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। रामनिवास माथुरिया की भी ले सकते हो, और RS अग्रवाल की भी बुक आती है मैथ की, वो भी ले सकते हो। इसके अलावा छोटी जो मैथ की गाइड आती है वो भी ले सकते हो, लेकिन आपके पास में कम से कम एक राकेश यादव की बुक होनी चाहिए। उसके अलावा एक मैथ की और बुक, चाहे अंकगणित की और एक बुक आती है वो ले लीजिए, रामनिवास माथुरिया की ले लीजिए या RS अग्रवाल की ले लीजिए, एक बुक आपके पास में और होनी चाहिए। दो बुक आपके पास में कम से कम मैथ की होनी चाहिए SSGD की तैयारी। अब दो बुक किस लिए होनी चाहिए, आप मानो राकेश यादव की बुक से तैयारी करो, आपको उसका मेथड समझ में नहीं आता, तो वही पर्सनली दूसरी वाली बुक में देखो, क्या पता उसमें जो मेथड है वो आपको जल्दी समझ में आ जाए। तो आप इसीलिए आपके पास में 1-2 ऑप्शन हमेशा होने चाहिए बुक में, अगर आप तैयारी कर रहे हो ढंग से, आपको हिट करना है। तो ये मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जिनको 100% लगना ही लगना है, ठीक है। इसके बाद में आते हैं GK के लिए, तो सॉरी इसके बाद में हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी के लिए दोस्तों आप सभी को पता है ग्रामर व्याकरण के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हो। छोटे बच्चों की जो स्कूल की बुक आती है वो भी बहुत अच्छी ग्रामर की बुक आती है, 9th क्लास 10th क्लास इनमें से कोई क्लास की बुक आती है उसमें भी आप थोड़ा बहुत रिविजन कर सकते हो। साथ में एक कंपिटिशन गाइड हिंदी की आप ज़रूर ले लें, लेकिन हिंदी की गाइड आप कौन सी लोगे इसके बारे में आपको नहीं बता सकता, क्योंकि हिंदी में लूसेंट की भी बुक आती है, अदर भी बहुत सारी बुक आती है, लेकिन जो छोटी छोटी बुक आती है उनमें बहुत अच्छे अच्छे मेथड दिए हुए होते हैं, और हिंदी में आपको व्याकरण आनी चाहिए। तो उसके लिए आप ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हो, साथ में कोई अच्छी बुक हिंदी की जो आपके आसपास में उपलब्ध हो। लेकिन लूसेंट की बुक को मैं हिंदी के लिए ज़्यादा अच्छी सजेस्ट नहीं मानता, क्योंकि उसमें जो थ्योरी लिखी होती है वो बहुत कम समझ में आती है। क्या पता आपको समझ में आ जाए, लेकिन मेरे को लगता है कि उसमें उसके बजाय आपको दूसरी बुक लोगे लूसेंट की, लूसेंट के अलावा हिंदी के लिए, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको बहुत ही अच्छा मतलब तैयारी होगी आपकी उसके लिए। तो हिंदी के लिए आप अपनी तरफ से देख लीजिए, नहीं तो ज़रूर कोई अगर अच्छी बुक आती है हिंदी के लिए मैं ज़रूर आपको सजेस्ट करूँगा उसके बारे में देखे दोस्तों। तो ये बुक आपके पास में होनी चाहिए अगर आपको इस बार SSC GD में सिलेक्शन चाहिए। तो अब आप डिसाइड कर लीजिए आपको सिलेक्शन चाहिए या नहीं, अगर चाहिए तो ये बुक होनी चाहिए। ओल्ड पेपरों के लिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे है, आप आगे जुड़ जाइए ओल्ड पेपरों के लिए, और वहाँ पर मैं आपको ओल्ड पेपर की PDF बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दूँगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।